उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में 4 साल पूरे होने के बाद सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के गुणगान के साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने के साथ स्थानीय स्तर पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसमें जनपद में हुए विकास कार्य के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। यूपी सरकार के इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, तो वहीं दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराकर अपनी पार्टी के नेताओं से उत्तर प्रदेश सरकार पर शब्दों से हमला कराया है। प्रेस वार्ता कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता एपी सिंह ने दावा किया कि 2022 में वे दिल्ली मॉडल की योजना के बल पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, और अगर वे सरकार नहीं बना पाए तो कम से कम आम आदमी पार्टी यह हालात पैदा कर देगी कि किसी भी पार्टी के खुद के दम पर सरकार नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी के नेता का साफ कहना है कि जिसे भी सरकार बनानी होगी उनके पार्टी के सहयोग की उसे जरूरत जरूर पड़ेगी। अब ये जो है, हमने जो रिस्पांस दिया उनको मैंने बता दिया कि मैंने क्या मेरी स्थिति रहेगी। मैं ईश्वर में, भगवान में आस्था रखता हूँ, लेकिन जो है गलत उगाही के खिलाफ रहता हूँ। फिर भी आपने चंदा दिया है? आपने चंदा दिया? नहीं दिया चंदा। क्या कहा आपने? क्या कहा सर? मैंने कह दिया कि जो है आप जब आप जरूर पड़ेंगे तो हम उसका विचार करेंगे उसका। लेकिन निर्माण तो अभी है, जरूरत अभी है कोई मतलब अभी तो 2000 करोड़ जमा है ऑलरेडी। मतलब आपका कहना ये है कि आपने वो आए आपसे चंदा नहीं दिया, ये कहना है बता रहा आपका? चंदे के लिए लोग आए आपके पास और आपने चंदा नहीं दिया, ये मतलब है कहने का? देखिए मैं इस वाक्य को इस तरह पूरा करें, आप समझ लीजिए। क्या वो बीजेपी के लोग थे या नहीं? नहीं, अब मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं कौन था। मैंने कहा कि चंदे के नाम पे जबरन उगाही बंद कीजिए, और जो है बहुत ये मैटर 2 महीने पहले का है, आज का नहीं है। जबरदस्ती उगाही कर रहे हैं? एक दो मामले हैं। नहीं नहीं, ये तो पूरे प्रदेश में कितने मामले पकड़े गए? अपने यहाँ कोई? अपने यहाँ नहीं।